में गोंडवाना दर्शन ने ये आयोजन करके अच्छा कदम उठाया है, अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरी उम्र का ये 63वां साल है। पिछले लगभग 50 वर्षों से बेंगलोर का निवासी हूं। व्यवसाय से व्यापारी हूं। स्वभाव, अभ्यास और जिज्ञासा से खोजी और विद्यार्थी हूं। मेरा मूल स्थान चूरू राजस्थान में है। ओसवाल जैन समाज में मेरा जन्म हुआ है। अब विषय की ओर बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था को समझने में मेरी शुरू से रुचि रही है, पर गोंड समाज और अन्य आदिवासी जनजातियों के बारे में मेरी जानकारी साधारण सी थी। पर कुछ जानकारी जो मेरे पास गोंड समाज के बारे में थी, तो उससे मेरी जिज्ञासा तय थी कि मैं इस समाज के बारे में ज्यादा जानूं। संयोग से मैं जनवरी 2019 में नागपुर पहुंचा। तब मुझे पता चला कि नागपुर शहर गोंड राजा ने बसाया है और यह गोंडों का शहर है। तब सहज रूप से मेरी जिज्ञासा जाग उठी और मैंने चाहा कि मैं कुछ लोगों से संपर्क कर पाऊं। वहां के नागपुर के स्थानीय साथियों के सहयोग से मैं अपनी यात्रा के अंतिम दिन चंद्रलेखा जी कंगाली और पवन श्याम इनसे मिल पाया और पहली मुलाकात में मुझे इतना सहज वातावरण मिला और मुझे इतनी जानकारी मिली कि मैं उसी दिन से अपने आप को गोंड संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करने लग गया। पर क्योंकि मेरी जानकारी काफी थी, इसलिए काफी नहीं थी, इसलिए मुझे कुछ पढ़ना जरूरी था। तो कुछ किताबें चंद्रलेखा दीदी ने मुझे दी, उन्हें मैं 2 महीने तक पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद अप्रैल 2019 में कुछ जानकारी के साथ फिर उनसे मिलने गया। एक ये पुस्तक है आचार्य मोतीरावन कंगाली जी की, पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन। मुझे लगता है कि ये पुस्तक हर उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो गोंड है या गोंड समाज से या आदिवासियों से संबंध के बारे में रुचि रखता हो या जिज्ञासा रखता हो। इस पुस्तक के अलावा गोंडवाना दर्शन पत्रिका का विशेषांक भी काफी उपयोगी है, उसे सबको अपने पास रखना चाहिए। ये पुस्तकें हर व्यक्ति के पास, हर जिज्ञासु के पास पहुंचनी चाहिए। शुरुआत में मैं इसी पुस्तक में से पारी कुपार लिंगो का एक वचन आपको सुनाता हूं। पारी कुपार लिंगो, उनकी जय सेवा के साथ में उनके वचन का हिंदी में अनुवाद
इस प्रकार है, स्वयं प्रकाशित होकर औरों को प्रकाशित कीजिए, स्वयं ज्ञानी बनकर ज्ञान का दान दीजिए, सगा भाई बनकर सगा संबंध प्रस्थापित कीजिए और स्वयं सेवक बनकर सगा सेवा कीजिए। इसे गोंडी भाषा में रूपोलंग पहंदी परिकुपार लिंगों ने इस प्रकार कहा है। तमवेल ची आसी रेकवेल ची किम्ट, सुई मोदी आसी सुई मोदी सिम्ट, सगा तमु आसी सगा पारी बिम्ट, सेवकाया आसी सगा सेवा किम्ट। इस पुस्तक को और गोंडी पुनेम दर्शन को जानने के बाद में 10,000 साल पुरानी दार्शनिक परंपरा से आप सहज रूप से ही जुड़ जाते हैं। बाकी जितनी भारतीय दार्शनिक परंपराएं हैं जो पिछले 2,500-3,000 साल में विकसित हुई हैं, वे सब व्यवस्थाएं मूल रूप से गोंडी दर्शन पर ही आधारित हैं। पर क्योंकि इसका प्रचार कम है, इसकी जानकारी हम सब तक नहीं पहुंच पाती है। जैसा कि मैंने कहा, अप्रैल 2019 में मैं और जानकारी की जिज्ञासा लेकर नागपुर चंद्रलेखा जी कंगाली और पवन जी सयाम के पास पहुंच गया। पवन जी सयाम ने 6 दिन की यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया। नागपुर से हम गढ़चिरौली जिले में एटापल्ली में एक करसाड़ का आयोजन था, उसमें शामिल होने के लिए हम चल पड़े। मैं और पवन जी नागपुर से चले और साथ में हमारे 4 साथी रास्ते में शामिल हो गए और वो आज मेरे अभिन्न मित्र हैं। उनमें रमेश जी कोरचा और उनका पुत्र अजीत कोरचा, नंदकिशोर नेताम और बिच्चू वड्डे, जिन्हें लोग वड्डे सर के नाम से जानते हैं। इन 6 लोगों की टीम हमने एक रात अहेरी में 7 गुजारी और फिर अगले दिन सुबह एटापल्ली में के ग्रामीण क्षेत्र में करसाड़ में शामिल होने के लिए निकल पड़े। ये यात्रा काफी आनंददायक, उत्तेजक और ज्ञानप्रद रही, क्योंकि अप्रैल का महीना था, गर्मी थी, पर वन प्रदेश में ठंडी हवा चलती थी और महुए के पेड़ पूर्ण विकसित हो गए थे। महुए के पेड़ लाल पत्तों से लदालद थे और सफेद फूलों की बरसात होती थी और उन महुए के फूलों को इकट्ठा करने वाले महिला और युगलों से हम लोग मिले। और इसके अलावा वहाँ के जो स्थानीय फल, बेर, फूल, कई चीजों के हमने स्वाद लिए, महुए का रस पिया और आनंद आनंद से हम आगे बढ़ते गए। आखिर में हम एक ऐसे रास्ते में पहुंचे जहां से मोटरकार का जाना मुश्किल था, फिर भी पवन जी ने उस रास्ते को आसानी से तो नहीं, मुश्किल से पर हिम्मत से उसको पार कर दिया। और अचानक हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर यह लगता था कि इतने लोग यहां इकट्ठे होंगे, हमने सुना था, ऐसा लगता तो नहीं है।
दस बीस लोग दिख रहे थे, पर देखते ही देखते वहां पर 1 घंटे में 10,000 लोग जमा हो गए। ये गोंड समाज के कुछ गोत्रों का 7 वर्षों में एक बार होने वाला आयोजन था। ये मिलन स्थल स्थल भी था, मेला भी था और पूजा स्थल भी था। पूजा के अलावा नृत्य, गीत, संगीत, सामूहिक आयोजन, भोजन, सबका आयोजन था। और सब सब आयोजन सामूहिक रूप से था। हर कोई उसमें उपभोक्ता भी था और प्रस्तोता भी था। सबने मिलकर इसका आयोजन किया और स्थानीय ग्रामीणों का विशेष सहयोग था। वहां पहुंचकर ऐसा लगा कि जैसे अलग, मेरे लिए तो एक अलग ही दुनिया थी, अलग ही दुनिया में पहुंच गए। गोंड आदिवासियों की ग्रामीण जीवन जीवन शैली और उनकी सहज जीवन शैली को पास से देखने का अवसर मिला। और वहां पर जो लोग जानकार थे उनसे बात बात करने पर सबने उत्साह से हम सबको इस आयोजन के बारे में, अपने बारे में और अपनी परंपरा के बारे में काफी जानकारियां दी। तो ऐसा स्नेह भरा वातावरण हर गांव में मिला, कई घरों में हम गए वहां मिला। तो वहां पर मैं अपने आप को एक स्थानीय सदस्य समझने लग गया और यह संबंध अब जीवन भर रहेगा। इतनी जानकारी होने के बाद में रास्ते में सब साथियों से बातें होती रही और पवन जी श्याम से लगातार बातें होती रही, उनसे काफी जानकारी मिली। फिर हम नागपुर पहुंच गए। नागपुर पहुंचने के बाद में चंद्रलेखा जी कंगाली से मुझे काफी जानकारी मिली और वे आज भी कार्यरत हैं और एक गोंडी व्युत्पत्ति कोष पर काम कर रही हैं। और ये काम जब संपन्न होगा तो काफी महत्व का काम होगा। आपके इस बीच में आपके सुझाव और सवाल भी थोड़े भेजते रहे ताकि एक बातचीत का माहौल बना रहे, क्योंकि मैं अगर सामने बैठकर तो 2-4 घंटे या घंटों तक इस विषय पर बात कर सकता हूं, पर इस तरीके से अकेले बोलना, अकेले संवाद करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। पर मुझे खुशी भी है कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का यह अवसर मिला है। विदर्भ क्षेत्र की मेरी अगली और तीसरी यात्रा फरवरी 2020 में कचारगढ़ की रही। कचारगढ़ में माघ महीने में होने वाला वार्षिक आयोजन एक पिछले 40 वर्षों में 5 लोगों से शुरू होने वाला आयोजन आज 5 लाख लोगों का आयोजन बन गया है। और एक गोंड समाज और आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ा आदान प्रदान का केंद्र बन गया है।
इससे इससे पहले मेरी अन्य यात्राओं के बारे में बता दूं कि अप्रैल अप्रैल में नागपुर से वापस आने के बाद मई से जनवरी के बीच में 9 महीनों के बीच में मैंने 3 और यात्राएं की, जो जहां पर मुझे आदिवासियों से मिलने का और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला। इन यात्राओं पर जाने के लिए मेरी पत्नी तथा मेरे परिवार ने पूरा सहयोग दिया, इसलिए मेरा जाना संभव हो सका। वैसे भूमि से आने से पहले का इतिहास कास्ट, इन 18 महीनों में मैंने कुल 11 यात्राएं की हैं। तो विदर्भ की इन 3 यात्राओं के अलावा पोर्ट ब्लेयर में आदिवासी धर्म कोड की अखिल भारतीय सभा थी, उसमें हमारे मित्र नंद किशोर नेताम, रमेश कोरचा, बिच्चू वड्डे और उषा किरण जी आत्राम के साथ में हम लोग वहां पर पहुंचे, और वह यात्रा काफी अच्छी और लाभदायक रही। वहां पर गोंड के अलावा अन्य आदिवासी समाज जैसे भील, मीणा, उरांव, गोंड, संथाल तथा उत्तर पूर्व के अनेक आदिवासी समुदायों से मेरा परिचय हुआ और विचारों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही साथ उस 3 दिवसीय सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हलचल और आंदोलनों के बारे में भी पता चला। अंडमान की यात्रा के बाद सितंबर महीने में राखी के बाद मैं राजस्थान में भीलवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में गया, और राखी के बाद में वहां पर भील जनजाति 1.25 महीने का गौरी उत्सव मनाती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उसमें पूरी रात में 8 घंटे की नृत्य नाटिका थी, जिसको 40 लोगों ने मिलकर 40 दिन तक वो अलग अलग गांवों में जाकर उस नृत्य नाटिका को खेलते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। तो ये वहां पर गौरा के नाम से इसकी मान्यता है, पर इस गौरा का संबंध शंभू गौरा से सीधा जुड़ता है। शंभू गौरा की जोड़ी जो परी कुपार लिंगो के साथ में उनकी सहयोगी बनी थी, और राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर माना जाता है। तो गणगौर में ईश्वर और गौर, या ईश्वर गौरी, ईश्वर गौरजा का उत्सव मनाया जाता है। तो ये ईश्वर गौरा और कोई नहीं, ये गोंडी मूल के शंभू गौरा ही हैं। इससे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के अनेक समुदायों, मीणा और भीलों का गोंड मूल से संबंध जुड़ता है। इसको इसको अध्ययन करके इसको स्थापित करने की आवश्यकता है।
नवंबर 2019 में मुझे गोरखपुर जाने का अवसर मिला और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में गोंड जनजाति का निवास है ये मुझे ज्ञात था। तो वहां पर पवन जी ने मुझे अंबेडकर धुरुआ से संपर्क करवाया और मैं उन्हीं के वहां ठहर गया। अंबेडकर धुरुआ जी ने अपने परिवार और अपने साथियों के साथ में मुझे आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी मिलवाया और गोंड समाज से संबंधित काफी जानकारी मुझे वहां से मिली। अब मैं अपनी कचारगढ़ यात्रा के ऊपर आता हूं। तो नागपुर से पवन जी श्याम के साथ में मैं और मेरे बेंगलोर के साथी प्रकाश जी नाटा हम लोग सीधे कचारगढ़ पहुंच गए। और कचारगढ़ क्योंकि वन प्रदेश है इसलिए काफी काफी ठंड का मौसम था, भयंकर सर्दी थी वहां पर हमारे रहने का आयोजन उषा किरण जी आश्रम के यहाँ किया गया। वो हमारे लिए काफी सुखद और ज्ञानप्रद भी रहा। वहां पर सताली शेडमा के और रमेश कासा उन्होंने हमारा पूरा ध्यान भी रखा और उनके अपने जो अनुभव थे वो हमारे साथ साझा किए। कचारगढ़ में तो ऐसा लगता था मानो ज्ञान की गंगा बह रही है, क्योंकि गोंड समाज और आदिवासी समाज से संबंधित ज्यादा से ज्यादा लोग साल में एक बार कचारगढ़ के आयोजन में पहुंचने की कोशिश करते हैं। उषा किरण जी आत्राम के संपर्क के कारण कई कई विद्वानों से मिलने का अवसर मिला। सुनेर सिंह जी सुनेर सिंह जी ताराम और उनकी पत्नी उषा किरण जी आत्राम इन्होंने गोंडी भाषा के साथ अन्य 8 भाषाओं के विकास के लिए एक संस्थान कचारगढ़ में स्थापित किया है। यह अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है। और गोंडवाना दर्शन जैसी मासिक पत्रिका को लगातार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कई दशकों तक सुनेर सिंह जी ताराम ने चलाया ये अपने आप में एक उपलब्धि है। इसका उपयोग करना आज की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी का कर्तव्य है। ये बहुत बड़ा खजाना हम सबके लिए छोड़ गए हैं। उषा किरण जी और चंद्रलेखा जी आज भी अपने अपने काम में लगी हुई हैं, शोध कार्य उनका निरंतर जारी है और सबका खुले मन से सहयोग करते हैं। तो उनके पास जो सामग्री है उसका गोंड समाज आदिवासियों तथा अन्य जिज्ञासियों को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। अब एक सवाल मेरे मन में उठता है या दूसरे मेरे मित्र भी पूछते हैं कि आखिर तुम वहां पर ढूंढना क्या चाहते हो।
तो मुझे ये लगा कि मैं 16 साल की उम्र से गंभीर साहित्य पढ़ने लगा हूँ। समाजवाद, साम्यवाद, अंबेडकर, फुले, पेरियार, इन सबको पढ़ने के बाद में 60 की उम्र में जाकर मैं सही जगह पर पहुंचा हूं। गोंडी, गोंड सभ्यता पूरी मानव सभ्यता का केंद्र है। पूरी मानव सभ्यता का की नाभि के रूप में लांजी को माना जाता है। गोंडी भाषा में लांजी नाभि को कहते हैं और लांजी क्षेत्र कसारगढ़ के पास है और लांजीगढ़, वहां का लांजीगढ़ प्रसिद्ध है। तो ये 10,000 साल पुरानी सभ्यता जो आज भी जीवंत है, इसको जिंदा रखना और इसका लाभ उठाना गोंड समाज, आदिवासी समाज, ग्रामीण अन्य किसान समाज तथा अन्य बुद्धिजीवियों का और जिज्ञासुओं का यह कर्तव्य बनता है कि इस विरासत को हम संभाल कर रखें और इसको सही स्थान पर पहुंचाएं। इस बीच में मैं इस बातचीत में किसी भी विवादास्पद विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इतनी मेरे पास अभी जानकारी नहीं है जो मैं यहाँ पर साझा कर सकूं। हाँ, आमने सामने बैठकर दो चार लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में मैं बात कर सकता हूँ। उतनी उतनी सामग्री मेरे पास जरूर जमा हो गई है, तो शायद 4-6 महीने लगेंगे, जिसके बाद में मैं हर विषय पर खुलकर बोल सकूं। इसे राजस्थान के संबंध में एक बात और बता दूं कि राजस्थान में जोहर अभिवंदन अभिवादन सब समाज में सर्वमान्य है, पर बहुत से व्यक्तियों को शायद इसके बारे में पता नहीं है कि जोहार शब्द का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये आदिवासी समाज को भलीभांति पता है। खेरोदाई, जिसे चिकित्सा की देवी या चिकित्सक माना जाता है, उसे अलग अलग नामों से पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। राजस्थान में से शीतला या सेडल के नाम से माना जाता है। इन सब मान्यताओं को जिनको हमने लोक साहित्य या लोक नाम देकर एक पर्दे में या पीछे धकेल दिया है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। ये लोग जिसे हम लोक साहित्य या लोक धर्म के नाम से जानते हैं, वो असल में मूल धर्म वहीं पर है। ये क्योंकि हम संगठित धर्म से इतने ज्यादा आतंकित होते हैं कि हम इसे मानने को तैयार नहीं होते, पर जो जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। गोत्र पारी कुपार लिंगों ने बनाए, उसकी कहानी और पूरी घटना प्रेरक है, वो सबको जाननी चाहिए।
जिसे 33 कोटि देव का के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, 33 करोड़ मान लिया जाता है। वो 33 करोड़ नहीं, 33 किस्म के देव थे, 33 कोटि यानी प्रकार के, 33 प्रकार के शिष्य थे उनके, परिकुपार लिंगों के, जिनको उन्होंने शिक्षित किया और उनके नाम से 750 गोत्रों का निर्माण किया। और समाज और विवाह के नियम बनाए और उसमें हर गोत्र के लिए उन्होंने 3 परिवार के चिन्ह, कुल चिन्ह या टोटेम दे दिए, एक पशु, एक पक्षी और एक पेड़ हर गोत्र को दे दिया गया। इस प्रकार 2,250 प्रजातियों के रक्षण और भक्षण के नियम बना दिए गए ताकि पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। कोयापुनेम से संबंधित कुछ शब्द मैं यहां बता देता हूं, एक एक पर अगर बात की जाए तो घंटों तक की जा सकती है। कोयापुनेम लिंगो यानी गुरु का नाम है, पारी पहांदी कुपार लिंगो, उनके सहयोगी बने जंगोदाई, कली कंकाली, हिरासुका पाटालीर और शंभु गौरा की जोड़ी। शंभु गौरा की तरह 88, कुल 88 शंभु हुए हैं जो अलग अलग गोत्रों से थे, और उन सब की जोड़ियों की मान्यता है। तो ये पूरा इतिहास मौखिक रूप से आज भी उपलब्ध है, इसे लिखित रूप में लाया जाना चाहिए। अब मैं अपनी बात पर आता हूं कि अगर धरती के केंद्र में या भारत के केंद्र में, मध्य भारत में ये सभ्यता विकसित हुई तो आखिर ये पूरी दुनिया में कैसे पहुंची? क्योंकि ये क्षेत्र सबसे ज्यादा अनुकूल था, इसलिए यहां पर खेती करना आसान हो गया। और खेती से पहले जरूरी था कि पशु शक्ति हासिल हो, पशु शक्ति के बिना ऐसी खेती नहीं की जा सकती जहां पर अतिरिक्त उपज पैदा हो सके। भैंस का पालन यहां पर शुरू किया गया। भैंस भारत का स्थानीय पशु है। गाय को पालतू काफी हजार वर्षों के बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में बनाया गया था। भैंस के पशुपालन से दूध और प्रोटीन प्राप्त हो गया और एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जो सामान को ढो सकती थी और जमीन को खोद सकती थी। तो जमीन को खोदने से अतिरिक्त उपज संभव हुई। अतिरिक्त उपज संभव हुई तो वहां पर उन्होंने जल संसाधन ऐसे विकसित किए कि बरसात के अलावा 12 महीने जल प्रबंधन के द्वारा पानी पानी वहां की फसलों को मिलता रहे। इन अतिरिक्त फसलों को रखने के लिए गांव बनाने की आवश्यकता हुई। गांव को चलाने के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। भाषा भाषा और गांव बनने के बाद में विवाह के जो संबंध इतने संगठित नहीं थे या नियमित नहीं थे, उन्हें नियमित करने की जरूरत हुई, उसके नियम बनाए गए। अब इतनी ये सब तकनीक गुण या विदर्भ क्षेत्र के या मध्य भारत के लोगों के पास आने के बाद में वो पूरी दुनिया में आमंत्रित किए जाने लगे, पूरी दुनिया में फैलते गए। तकनीक क्या थी उनके पास?
भैंस, पशुपालन, चावल और अन्य अनाजों की खेती, जल प्रबंधन, गांव की व्यवस्था कैसे की जाए, गांव का निर्माण कैसे किया जाए, छोटे गांव को उनसे बड़े गांव से, बड़े गांव को गढ़ गढ़ से कैसे जोड़ा जाए और राजकार्य कैसे किया जाए, भाषा विकसित होती गई, भाषा के नियम बनाए गए, विवाह के नियम बनाए गए और चिकित्सा पद्धति विकसित की गई और खेरोदाई विश्व प्रसिद्ध है। 5 साल की उम्र से विवाह की उम्र तक प्रशिक्षण के लिए गोटुल की व्यवस्था की गई, जिसमें जीवन यापन और समाज की सुरक्षा के सब नियम सिखाए जाते थे। इतनी सब जानकारियों के साथ उनके लिए यह संभव हो गया कि वे अपने क्षेत्र से चाहे 500 किलोमीटर दूर जाएं, चाहे 5000 किलोमीटर दूर जाएं, वहां पर जाकर वे गांव बसा सकते थे और स्थानीय लोगों के साथ के सहयोगी हो सकते थे। इसके साथ साथ दर्शन, नियम और सन्मार्ग जो पूरे समाज को बांध कर रखता है, पारी कुपार लिंगों ने इस मार्ग को नाम दिया है पू नेम। पू गोंडी में सत्य को कहते हैं, नेम मार्ग को कहते हैं। नेम से हमें हिंदी में नियम शब्द मिला है। पू नेम यानी सत्य का मार्ग। सत्य का मार्ग क्या है, इसकी पूरी पूरी व्याख्या उन्होंने विस्तृत रूप में की है, जिसका एक रूप मुंद सोल शरीर के रूप में प्रचलित है। यह व्यवस्था चलती रही, पर पिछले 1000 सालों में और पिछले 500 सालों में सबसे ज्यादा इस व्यवस्था पर कुठाराघात हुआ है। और मैं तो ये मानता हूं कि पिछले 100 सालों में भारत में सर्वाधिक अन्याय ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के निवासियों के साथ में हुआ है। पूरी दुनिया के पटल पर अगर देखा जाए तो अमेरिका में ये सिलसिला 500 साल पहले शुरू हुआ, अफ्रीका अरब में ये सिलसिला 1500 साल पहले शुरू हुआ, पर आज भी ये ढांचा मूल रूप में विद्यमान है। संस्कृति ऊपर से नीचे नहीं पहुंचती है, नीचे से ऊपर आती है, जड़ से ही पेड़ बनता है, पर हम पत्तियों और फूलों को ही सभ्यता का चिन्ह मान बैठे हैं। और जिन्होंने सभ्यता पूरी दुनिया को सिखाई उन्हें असभ्य मानते हैं, तो इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। अब अपने को सुझाव मैं देना चाहता हूं, इसमें साथ साथ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, पर क्योंकि मुझे अभ्यास नहीं है इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पर मैं जो सुझाव आपको देना चाहता हूं, एक तो भाषा सबसे बड़ी विरासत है और भाषा हजारों सालों से जीवित है और आज भी जीवित है। आज भी करोड़ों लोग गोंडी भाषा को समझते हैं और मैं तो ये मानता हूं कि पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में हम गोंडी भाषा ही बोलते हैं, चाहे चाहे उसको हम ना हम मेवाड़ी नाम दे दें, चाहे मैथिली नाम दे दें, चाहे तमिल नाम दे दें, चाहे सिंगली नाम दे दें, चाहे नेपाली नाम दे दें।
पर क्योंकि इस विषय में मैंने इतना ज्यादा शोध नहीं किया है तो बहुत ज्यादा प्रमाण मैं नहीं दे सकता, पर मैं जितनी भाषाओं को जानता हूं उन सब का संबंध मुझे गोंडी भाषा से जुड़ा हुआ लगता है। मेरी पुत्री पायल जापानी भाषा की शिक्षिका है, उम्र 23 साल है, तो मैं तो उससे भी प्रेरणा देता हूं कि जापानी भाषा और गोंडी भाषा का संबंध अगर स्थापित कर सको तो ये अपने आप में एक उपलब्धि होगी। ये प्रेरणा देना मेरा काम है, आगे इसको अमल में लाना उसका काम है। गोंडी भाषा अब इस उम्र में मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो कभी कुछ लंबे समय गोंड गोंड क्षेत्र में रहने से शायद ये संभव हो पाए। गोंडी भाषा को स्थापित करने के लिए आपको सीधी टक्कर पाश्चात्य भाषा विज्ञान से लेनी होगी, इससे बच नहीं सकते। और भारत भारत की संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल तथा अन्य द्रविड़ भाषाओं की जो जो प्रचारित इतिहास है वो कहीं भी हमको 3,000 साल से पीछे नहीं ले जाता है, और गोंडी हमें 8, 10, 12 हजार साल पीछे ले जाती है। सिर्फ गोंडी ही नहीं, मीणा की भाषा को भी गोंडी कहा जाए, भीलों की भाषा को भी गोंडी कहा जाए, उरांव की भाषा को भी गोरी गोंडी कहा जाए, भारत की तमाम आदिवासियों की भाषा सीधे सीधे गोंडी भाषा से जुड़ी हुई मिल जाएगी। इसके बाद में तथाकथित आधुनिक भाषाएं भी सब इससे जुड़ी हुई है। पूरे हिंदी प्रदेश में कौन सा ऐसा गांव है जहां पर हिंदी बोली जाती है? कौन कौन सा ऐसा खेत है, कौन सा ऐसा ऐसी खदान है जहां पर हिंदी बोली जाती है? हिंदी तो एक जोड़ने वाली शहरों की भाषा है, शहर की भाषा है जो पिछले 100-200 साल में विकसित हुई है। आज भी गांव का किसान, मछली पकड़ने वाला, पशुपालन करने वाला जिस भाषा का इस्तेमाल करता है वो उस क्षेत्र की हजारों साल पुरानी भाषा है। भाषा के अलावा जो काम किया जा सकता है, मैंने अपने मित्रों को ये सुझाव भी दिया था कि गोंड क्षेत्र के से शुरुआत की जाए और बाद में भारत के हर आदिवासी क्षेत्र में ये किया जाए, पर शुरुआत गोंड क्षेत्र से की जा सकती है कि जहां पर 100% या अधिसंख्यक गोंड रहते हों उन गांवों के एक शिलालेख तैयार किया जाए, पत्थर पर खुदाई की जाए, पत्थर पर खुदाई करके उस गांव के इतिहास के बारे में लिखा जाए, वर्तमान स्थिति के बारे में लिखा जाए, वर्तमान आर्थिक स्थिति और वर्तमान निवासियों के गोत्र तथा उनके बारे में जानकारी अंकित की जाए। ये जानकारी गोंडी और हिंदी में तो होनी ही चाहिए, उसके साथ में जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ या अन्य भाषाओं में की जा सकती है। इस काम को आगे करने के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ने के लिए तैयार हूँ, तो कम से कम एक गांव, दो गांव या 10 गांव ऐसे ऐसे चुनिए जिन्हें जिनमें 2020-21 में उन गांवों में शिलालेख तैयार किए जा सकें। एक और विषय जो काफी
अध्ययन और शोध की मांग करता है वह है गोंडी, गोंडी भाषा से संबंधित गांवों के नाम, गांवों, स्थानों, क्षेत्रों, नदियों, पहाड़ों के नाम जो गोंडी भाषा से संबंध रखते हैं, उन उन पर अगर 100 लोग मिलकर पूरे देश में अध्ययन करें तो इतनी सामग्री मिल सकती है कि जो हमने लाइब्रेरी में बैठकर अभी तक इकट्ठा नहीं की होगी। इन दोनों कामों में मेरी व्यक्तिगत रुचि भी है, इनसे जुड़ना भी चाहता हूं। पहला, हर गांव में एक शिलालेख तैयार किया जाए, और दूसरा, गोंडी भाषा के नामों पर गांवों, स्थानों की व्याख्या करके उसे प्रस्तुत किया जाए। गांवों के नाम, शहरों के नाम तो बहुत तेजी से बदले जा रहे हैं, और गांवों के नाम नाम भी बदलने की बारी बारी आ गई है। नागपुर के आसपास या बड़े शहरों के आसपास जितने भी छोटे गांव हैं वो सब उन शहरों में शामिल हो गए हैं, और पुराने नाम मिटते जा रहे हैं। हमारे देखते देखते सैकड़ों नाम खत्म हो गए होंगे। तो इस काम को जितना जल्द किया जाए, अगले 10 वर्षों में अगर हजारों गांवों में, लाखों गांवों में ये काम किया जा सके तो ये एक करने लायक आवश्यक काम है। अब अगर किसी गैर आदिवासी को पूछा जाए कि आदिवासियों के बारे में कितना जानते हो, तो ज्यादातर उनकी जानकारी सीमित होती है या फिर नकारात्मक होती है। कला के क्षेत्र में जो थोड़े बहुत थोड़े लोग हैं वो आदिवासियों को कभी नृत्य, गीत, संगीत के माध्यम से किसी मंच पर कभी देख लेते हैं, पर उनके जीवन में झांकने की कोशिश नहीं करते। यहां तक कि फिल्मकार, अच्छे फिल्मकार भी जो समाज की अच्छी समझ रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आदिवासी क्षेत्र में या आदिवासी विषयों पर फिल्म बनाते वक्त वो आदिवासी समाज को समझने की कोशिश करते होंगे। अगर फिल्मों की बात करूं तो मुझे तो हिंदी फिल्मों में इतने वर्षों में एकाध फिल्में नजर आती है जो आदिवासियों के लिए को सम्मान की दृष्टि से देखती है और उनके दृष्टिकोण से काम करती है। बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म है इज्जत, जिसे सुधांशु राय और निरंजन पॉल ने आजादी के पहले बनाया था। यह फिल्म आपको देखनी चाहिए, और देखने के बाद आप अपनी राय बताएं, या कुछ अगर अच्छी फिल्में आपके ध्यान में हो तो मुझे बताएं। मुझे नहीं लगता। तो ये काम खुद गोंड समाज, क्योंकि सबसे जागृत समाज में से एक है, आदिवासियों के जागृत समाज में से एक, तो गोंड समाज को अपनी, गोंड समाज की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, आदिवासियों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी, और आदिवासियों से जुड़े हुए जिन्हें आदि किसान कहा जाता है, आदिवासी किसान, वो ये सब जातियां आदिवासियों से जुड़ी हुई हैं, जैसे जाट, यादव, गुजर, गौड़ा, रेड्डी, नैयर, यादव, कुर्मी, कुनबी, कोली, ये सब समाज, जिस दिन गोंड समाज जागृत हो जाएगा,
ये सहज रूप से ये सब समाज उससे जुड़ते चले जाएंगे। एक सुझाव ये भी था कि मैं जब कभी युवा पीढ़ी से बात करता हूं और गैर आदिवासी समाज की के बीच में रहता हूं, तो उनकी जिज्ञासा होती है कि ठीक है, हम जानना चाहते हैं इसके बारे में, पर हमारे लिए कोई सरल या ढंग की कोई जानकारी तो मिलनी चाहिए। अगर इतनी क्लिष्ट हिंदी में होगी तो हम नहीं समझ पाएंगे, और जार्गन से भरी हुई अंग्रेजी की भाषा होगी तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ छोटे वीडियो या छोटी जानकारी के रूप में कुछ सामग्री सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई जा सकती है। इस विषय में मैंने जितनी तैयारी की है ये सब बोल दिया। अगर आमने सामने कभी बैठेंगे तब तो घंटों में बात कर सकता हूँ। मैंने रात रात भर इस विषय पर बात की है जब मैं कचारगढ़ में था। फिर कभी अवसर मिलेगा तो और आगे बात करूंगा। इसमें आज के आयोजन में मेरी पुत्री पूरी सहयोगी रही है और शुरू से लेकर आखिर तक मेरी पत्नी ने मुझे सहयोग दिया, इसलिए मैं इतनी जानकारी भी इकट्ठा कर पाया। एक तरह से कहा जाए कि मुझे खुला छोड़ दिया, भाई जो करना है आप करने के लिए आजाद हैं। तो उन सबका धन्यवाद देता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, और मेरी पत्नी भी आपको धन्यवाद देना चाहती है। कुसुम बच्चावत, नमस्ते, आप सब कैसे हैं? क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ। चल ठीक है। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सेवा, सेवा जवाहर।